हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ऐसे स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने गाउस के नियम के अनुप्रयोग टॉपिक को स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हम लोगों ने दो अनुप्रयोगों को कंप्लीट कर लिया। हम लोगों ने गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता के सूत्र निकालने सीख लिए और अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता के सूत्र निकालने सीख लिए। ठीक है भाई, और कल हमने क्या किया था? कल हमने अचालक गोला लिया था। इस प्रकार से अचालक गोला मतलब जिसके संपूर्ण आयतन में आवेश एक समान रूप से वितरित हो। हमने इस प्रकार के अचालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता के फॉर्मूले निकाले थे। इस गोले से बाहर, इस गोले की सतह पर और इस गोले के अंदर, बाहर जो फॉर्मूला था इसका वो हमारे पास कितना था? क्यू डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, और उसी प्रकार से यहाँ पर जो सरफेस पर फॉर्मूला था वो हमारे पास कितना था? क्यू डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर स्क्वायर, और इन साइड इसकी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड था उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी थी? क्यू डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और स्क्वायर इनटू स्मॉल आर। इस प्रकार से ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले निकल करके आए थे गोले के अंदर अचालक गोले की सतह पर और अचालक गोले के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना बाप? अब मैं सेम उसी प्रकार से ग्राफ बनाना चाहता हूँ अचालक गोले के विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दूरी के साथ परिवर्तन ग्राफ। अचालक गोले की विद्युत क्षेत्र तीव्रता का अचालक गोले की विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दूरी के साथ परिवर्तन ग्राफ, दूरी के साथ परिवर्तन ग्राफ। देखो कैसे बनेगा। आप लोग क्या करें, दो एक्सिस बनाएं। एक्स एक्सिस पर तो आप लोग डिस्टेंस को रखें आर टू, वाई एक्सिस पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड को रखें, और उसी प्रकार से केंद्र पर आप लोग अचालक गोले का केंद्र मान लें और अचालक गोले का निर्माण करें। इस प्रकार से, ठीक है भाई। अब आपको बहुत ही आसानी से दिख पा रहा होगा कि ओ से लेके और इस पॉइंट तक गोले के अंदर की सीमा है, ये पॉइंट गोले की सतह पर है। मतलब यहाँ पर हम लोग स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर लिख सकते हैं? कैपिटल आर के बराबर लिख सकते हैं। और इस पॉइंट से यदि आगे की ओर चले तो स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से बड़ा होगा, मतलब अचालक गोले के बाहर की बात होगी। ठीक है, सबसे पहले आप देखो अंदर, अचालक गोले के अंदर, अचालक गोले के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आप देख पा रहे हो कि स्मॉल आर के समानुपाती है। ये बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं, तो ये स्मॉल आर का क्या बचा? समानुपाती बचा। मतलब अचालक गोले के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आर के साथ साथ रैखिक रूप से क्या होगा? परिवर्तित होगा। इस प्रकार से ऐसे, और सतह पर जाके हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा भाई? मैक्सिमम हो जाएगा, सतह पर जाके मैक्सिमम हो गया। इस प्रकार सतह पर जाके क्या हो गया? मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि ये ई इनसाइड था, ये वाली रेंज गोले के अंदर की रेंज है, यहाँ समानुपाती है आर, यहाँ ई का मान क्या है? मैक्सिमम है। उसके बाद ई का फॉर्मूला ये बना था, ये होगा गोले के बाहर के लिए, तो आप देखोगे कि आर के स्क्वायर फॉर्म में डिक्रीज होता हुआ बनेगा। इस प्रकार से ई आउटसाइड विपरीतानुपाती है इसके आर स्क्वायर के, तो ये ग्राफ इसको बनना चाहिए। ठीक है, बना ले इसको आप लोग। अब हम बात करते हैं तीन नंबर अनुप्रयोग की। हमारा तीन नंबर अनुप्रयोग है, जिस प्रकार से हमारे पास गोलीय कोश था, अचालक गोला था, उसी प्रकार से हमारे पास एक अनंत आवेशित
तार है, अनंत आवेश तार के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, अनंत आवेश तार। एक वायर है इस प्रकार से, और कितनी लंबाई की है, अनंत लंबाई की वायर है, प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी, और आवेश है। मान लेता हूँ किसी के ऊपर जो आवेश की प्रकृति है वो कैसी है, धनात्मक है, प्लस आवेश पर इस पर एक समान रूप से वितरित है। मेरे को क्या करना है कि इस वायर से आर दूरी पर जाके एक पॉइंट लेना है बी, और उस पॉइंट पर मेरे को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो काम करना है वो ये काम करना है कि यदि आपके पास आवेश वायर पर वितरित हो, तार पर वितरित हो, तो आप लोग क्या निकालते हो, तो आपको निकालना पड़ता है रैखिक आवेश घनत्व। क्या निकालना पड़ता है आपको, रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा। और रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, यदि इस वायर की जो लेंथ है वो एल मान लूं और इस पर आवेश की मात्रा क्यू मान लूं, तो एकांक लंबाई का आवेश, एकांक लंबाई का आवेश क्या कहलाएगा, रैखिक आवेश घनत्व। इसकी जरूरत पड़ती है हमें। और यदि हमारा जो आवेश है वो चालक गोले की तरह उसकी सतह पर वितरित हो, सतह पर यानी कि क्षेत्रफल पर वितरित हो, तो हम लोग क्या निकालते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो क्या निकाला जाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। उसी प्रकार से जैसा हमने यह चालक गोले में किया, यदि आवेश संपूर्ण आयतन के अंदर वितरित हो तब हम लोग इसको निकालते हैं, तब हम लोग निकालते हैं आयतनिक आवेश घनत्व को। कौन से को, आयतनिक आवेश घनत्व को, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। एकांक आयतन का आवेश क्या कहलाता है, आयतनिक आवेश घनत्व कहलाता है। तो यहाँ पर इस केस में मेरे पास वायर है, तो वायर के लिए मेरे को कौन सा डिफाइन करना पड़ेगा, पहले रैखिक आवेश घनत्व क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने क्या किया, इस अनंत लंबाई के तार में से ये जो आपको गहरा गहरा दिख रहा है, ये मैंने एल लंबाई का, कैपिटल एल लंबाई का तार का एक टुकड़ा काट लिया, ठीक है, और मान लिया कि इस टुकड़े पर जो आवेश की मात्रा है वो मेरे को फाइंड करनी है। टोटल आवेश अनंत लंबाई के वायर पर कुल आवेश मान लेते हैं हम लोग कितना, आवेश मान लेते हैं कैपिटल क्यू, कितना मान लेते हैं जी, कैपिटल क्यू। तो आवेश इस एल लंबाई के टुकड़े का कितना आवेश होगा, एल लंबाई के तार का आवेश, ये कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, जो भी लैम्डा है, जो भी इसका लैम्डा आएगा, उस लैम्डा को इस एल से क्या कर देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो एल लंबाई के तार का आवेश मान लेता हूँ छोटा क्यों, कितना आएगा, लैम्डा गुणा में एल, ठीक है, ओके। तो अब आप क्या करें, अब वो आप प्रोसेस लगाएं जो आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया था। सबसे पहले स्टेप में आप आवेश के वितरण को देखकर गाउसीय पृष्ठ बनाते हो, आवेश रैखिक वितरित है तो इसका जो गाउसीय पृष्ठ बनेगा वो बेलनाकार बनेगा, आपको मैंने बताया था। इस प्रकार से इसके लिए क्या बनना चाहिए, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बनना चाहिए, ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ। अब ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के अंदर अलग अलग कितनी सतहें हैं, एक सतह तो ये वाली है जो इसकी वक्राकार सतह है, इस पर मैं एक एरिया वेक्टर बना लेता हूँ dA1 वेक्टर, और इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो प्लस चार्ज है तो बाहर की ओर होगी, इस प्रकार से बाहर की ओर होगी, ठीक है, E वेक्टर। यहाँ पर मैं थीटा वन मान लेता हूँ, दोनों के बीच का एंगल है थीटा वन, कितने डिग्री आएगा, जीरो डिग्री आएगा। बट जो ये वाला सरफेस है, नीचे वाला जो ये सर्कुलर है, वृत्ताकार सरफेस है, यहाँ पर मैंने एक अल्पांश काटा, उसके वेक्टर को मैंने ऐसे डिनोट किया dA2 वेक्टर, लगभग इसके सतह के, परंतु यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है ऐसे, तो इनके बीच में जो थीटा 2 बना वो थीटा 2 कितने डिग्री बन गया हमारे पास है, 90 डिग्री बन गया। उसी प्रकार से यदि मैं इस पर इसी पृष्ठ पर यहाँ पर एक अल्पांश काट लूँ और उसका मैं मैग्नीट्यूड रखूँ dA3 और वेक्टर उसका ऐसे रिप्रेजेंट करूँ dA3 वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर सेम इसी डायरेक्शन में है ये वेक्टर,
ठीक है, तो क्या होगा यहां पर भी जो थीटा 3 बनेगा वो कितने डिग्री बनेगा भाई, थीटा 3 बनेगा यहां पर 90 डिग्री। थीटा 3 कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। अब आप गॉस का प्रमेय लगाएं, गॉस का प्रमेय, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय में क्या होता है, गॉस इंटरसेप्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का अंत समाकलन बराबर होता है किसके, गॉस इंटरसेप्ट के अंदर का आवेश बटा में निर्वात की विद्युतक्षेत्रता। अब एक्चुअल में ये ई डॉट डी क्या होता है, गॉस इंटरसेप्ट का फ्लक्स होता है, तत्पृष्ठ का फ्लक्स। अब ये तीन भागों से मिलकर बना होगा, इसका फ्लक्स मिला होगा क्योंकि एक तो वक्राकार भाग का फ्लक्स होगा और एक इस वृत्ताकार भाग का फ्लक्स और एक नीचे वाले वृत्ताकार भाग का फ्लक्स, तीनों को यदि मैं ऐड कर दूं तो मेरे को ये मिलना चाहिए टोटल फ्लक्स। तो इस समाकलन को मैं कितने भागों में डिवाइड कर सकता हूं, तीन भागों में, एक नंबर तो मैं एक नंबर सरफेस के लिए कर सकता हूं ई और वेक्टर डॉट डी ए वन वेक्टर। अब हम सर्कल नहीं लगाएंगे क्योंकि ओनली वक्राकार भाग के लिए का वक्राकार भाग ऊपर से होता है जिसे बोला प्लस, दो नंबर सरफेस के लिए देखें ई वेक्टर और इसका जो एरिया वेक्टर वो कितना है डी ए टू वेक्टर है प्लस, तीन नंबर सरफेस के लिए देखें ई वेक्टर डॉट इसका एरिया वेक्टर कितना है डी ए थ्री वेक्टर, ठीक है जी। और बराबर कितना का है क्या वो इनसाइड मतलब गॉस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है निकाला था लैम्डा एल आपने एप्सिलॉन जीरो। अब ये तीन अलग अलग भागों का इस हेलन के तीन अलग अलग भागों का क्या होगा प्लस हो गया तीनों का ऐड करके ये बना चाहिए टोटल फ्लक्स। अब इन दोनों में से डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो थीटा वन लगेगा, इनके लिए थीटा टू लगेगा और इनके लिए कॉस थीटा थ्री लगेगा। तो हमारे को पता है कि थीटा वन है 90 डिग्री और थीटा टू को थीटा थ्री करेंगे डिग्री, चूंकि थीटा टू बराबर है थीटा थ्री के बराबर है 90 डिग्री के, इसीलिए जब मैं इसको cos थीटा में लिखूंगा तो cos थीटा 2 बराबर होगा किसके cos थीटा 3 के और cos 90 कितना होता है मुझे पता है जीरो। तो सेकंड नंबर का समाकलन और फर्स्ट नंबर का समाकलन, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का समाकलन ये क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे, इसलिए सेकंड व थर्ड समाकलन कितने हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे। केवल कौन सा बचेगा ई बी ए वन बराबर कितना पड़ा है लैम्डा एल बटा में एप्सिलॉन। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो केवल किसका फ्लक्स बचा है वक्राकार भाग का, क्यों बचा है क्योंकि यहाँ पर देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे इस प्रकार से इसके सतह के पैरेलल है वर्ताकार सतहों के समांतर है, तो मतलब वर्ताकार सतह में से कोई विद्युत बल रेखा जा रही है ना, तो इस वर्ताकार सतह में से विद्युत बल रेखा जा रही है ना ही इसमें से कोई विद्युत बल रेखा जा रही है, सारी की सारी विद्युत बल रेखाएं वहां से जा रही है इस वक्राकार भाग में से जा रही है, तो केवल इसका फ्लक्स बचेगा वक्राकार भाग का फ्लक्स, ठीक है ना। ई को हमें कैलकुलेट करना है, ई को आप लोग समाकलन से बाहर निकाल लें, समाकलन करते हैं एक नंबर के लिए डी ए नंबर बराबर लैम्डा एल बटा में एप्सिलॉन। अब डीए वन का इंटीग्रेशन करना है तो एक नंबर सरफेस तो इसके वक्राकार सतह पर आप डीए वन डीए वन डीए वन ऐसे ऐड करते जाए तो आपको बेलन का वक्र पर क्षेत्रफल मिल जाना चाहिए, इस समाकलन में ई इनटू बेलन का वक्र पर क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, लेकिन एच की जगह हमारे पास क्या है एल है जिसके लिए तो ये आपका 2 पाई आर एल बराबर कितना पड़ा है लैम्डा एल बटा में एप्सिलॉन नॉट, एल से एल क्या कर दिया कैंसिल, तो यहाँ से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा लैम्डा डिवाइड 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का अनंत आवेशित रेखा के तार के कारण। अब इसको मैं थोड़ा सा सेंटर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, अंश और हर में क्या करें दो से आप मल्टीप्लाई कर दें, ई बराबर ऊपर बन जाएगा 2 लैम्डा और नीचे क्या बनेगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है के, आप एक बात बोल देते हैं इसको पहले नोट।
हम लोग पॉइंट पी को इस वायर से दूर लेके जाएंगे, ऐसे दूर लेके जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा क्या बनेगा, ई आर आर डाउ ई की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, आर के ऊपर मान रहा है। ओके, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि मतलब आवेशित तार के कारण क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्म। अब इसी कांसेप्ट पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं जो आईआईटी एग्जाम में भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग बोर्ड एग्जाम में इस पर एक न्यूमेरिकल पूछा गया था आपके बाद, तो इसके न्यूमेरिकल भी आपको मैं इस चैप्टर को खत्म होते ही करवाने वाला हूँ। ओके बाय।